बस यही सब मस्तियाँ करनी है तुम्हें, पढ़ाई लिखाई से तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कल के एग्जाम की तैयारी हो गई? जी मैम, मैंने सब प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, तो ये बताओ कैमरा किसने इन्वेंट किया? अरे जब पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता तो क्यों चले आते हो यहाँ? क्यों अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो? मैम, कैमरा किसने इन्वेंट किया ये तो मुझे नहीं पता, बट कैमरे को यूज कैसे करते हैं ये मैं अच्छे से बता सकता हूँ। कि शॉट के लिए कैसे फ्रेम बनेगा, कैसा अपर्चर होगा, क्या कलर टेम्परेचर रखना है, ये सब अच्छे से पता है। तुमसे जो पूछा वो तो तुमसे बताया नहीं गया। ये अपर्चर वपर्चर जानकर क्या कर लोगे तुम? बट मैम, ये सब चीजें हमें याद रखने की जरूरत ही क्या है? जब ये लर्निंग मेथड्स डेवलप हुए थे तब हमारे पास गूगल नहीं था, बट आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कुछ ही सेकंड्स में किसी भी सवाल का जवाब दें। यहाँ टीचर कौन है, तुम या मैं? मैम आप। तो ये ज्ञानबाजी बंद करो और चुपचाप क्लासरूम में जाओ। चले आते हैं यहाँ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने। मैम, बुलाया आपने? जी। ये क्या कीड़े मकोड़े चला रखे हैं आपने? सॉरी मैम, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन करो, पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। मैम, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ बट हो ही नहीं पाता। क्योंकि तुम एक नंबर के आलसी हो, इसलिए नहीं हो पाता तुमसे। अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में, समझे? अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। मैम, एक सवाल था। पूछो। मैम, आने वाले टाइम में हमारे रेज्यूमे से लेकर हमारी बुक्स, हमारी नोटबुक्स, सब कुछ डिजिटल होने वाला है, तो फिर हम हैंडराइटिंग प्रैक्टिसेस कर ही रहे हैं? देखो, ये बिना सिर पैर के सवाल मुझसे तो तुम किया मत करो। यहाँ एजुकेशन एक सिस्टम के हिसाब से चलती है और तुम्हें भी उसी सिस्टम के हिसाब से चलना होगा, समझे तुम? अब जाओ यहां से। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, ये आंसर एकदम सही है बट आपने शायद गलती से मार्क्स काट लिए। मार्क्स आंसर के नहीं, स्टेप्स लिखने के मिलते हैं, जो तुमने डाले ही नहीं। मैम, ये स्टेप्स याद करके रटने वाला मेथड तो मेरे से नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ बैकस टेक्निक यूज करके ये पूरी डेरिवेशन बनाई है और देखिए एकदम ठीक आंसर आया। देखिए जीनियस महाराज, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, किसी वेस्टर्न कंट्री में नहीं कि अपने दिमाग का लॉजिक लगाकर कुछ भी आंसर निकाल दें। बट मैम, अगर हम लॉजिकल चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो न्यू इनोवेशंस कैसे होंगी? जितना दिमाग तुम जबान चलाने में लगाते हो ना, अगर उतना ही स्टेप्स याद करने में लगाया होता ना, तो इस टेस्ट में पास हो गए होते। गेट आउट। अगर इतने ही ज्ञानी हो ना, तो कहीं और जाकर एडमिशन ले लो, कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। तुम्हारा क्या मतलब था और क्या नहीं, मैंने ये नहीं पूछा तुमसे। मैंने तुम्हें क्लास से बाहर जाने को कहा है, सुना नहीं तुमने? और कल से कोचिंग आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आ गई तुम, कैसा रहा? कुछ भी नहीं हुआ मम्मा, आज भी मुझे जॉब नहीं मिली। अब अपनी कोचिंग का बिजनेस भी पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो तुम उसे ही संभाल लेती। सब कुछ डिजिटल पर ही शिफ्ट हो गया है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिल पा रही है।
नमस्ते मैम, आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी एज ए मैनेजर यहाँ जॉब पर लगी है और आज उसका पहला दिन है, मैं उसी को लेने आई हूँ। पर ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है चपरासी की नौकरी मिली है तुम्हें यहाँ। जिस हिसाब से तुम्हारा स्कूल में हाल था ना, उससे तो तुम्हें यहाँ जॉब मिल गई, ये भी बड़ी बात है। अरे माँ, आप यहाँ? आज तेरा पहला दिन था तो सोचा मैं ही जाकर तुझे ले आऊँ। अच्छा क्या? अच्छा सर, मैं चलती हूँ। सर, ये तू इसे सर क्यों बोल रही है? अरे इन्होंने तो मुझे जॉब दी है, मेरा मतलब है यही तो कंपनी के बॉस है। बॉस? जी मैम, बॉस। मानता हूँ कि स्कूल में मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, वो भी शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम सब मिलके एक मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने कोडिंग का कोर्स किया और आज अपनी कोऑर्डिनेशन नाम की कंपनी चला रहा हूँ। खैर मैं चलता हूँ, आप ध्यान रखिएगा अपना। अरे माँ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। अरे बेटा सुनो। जी मैम। जो तुम कहना चाहते थे ना, वो आज मैं समझ गई। आज के बाद मैं किसी भी स्टूडेंट को उसके मार्क्स, हैंडराइटिंग या लर्निंग स्पीड देखकर जज नहीं करूँगी, बल्कि उसकी रियल कैपेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करूँगी। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। In our education system, we are expecting fish to climb the tree and monkeys to swim. It's high time we should realize that the kid should be taught as per the capability. It's high time we should say goodbye to old rotten ways of education and welcome new skillful education. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.